Right. Let's start with today's webinar. सोना जी नमस्कार, आपको बहुत दिनों बाद दिखाया आज, कैसे हैं आप? I can't hear you. माइक चेक करें आप एक बार। काफी सारे लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी की क्लास बेसिक्स में थे या एडवांस में पिछले थे, उनमें काफी लोग आज दोबारा दिखाई दिया। शिताली जी, प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। Right. Thank you for joining. Let's start with today's class. आज की क्लास का टॉपिक एडवांस एस्ट्रोलॉजी, राइट? एंड एडवांस एस्ट्रोलॉजी के स्टार्टिंग से पहले कुछ वेरी क्विक इंफॉर्मेशन वुड लाइक टू शेयर विद यू। अकेडमी इज बीन अबाउट मोर देन 15-16 मंथ्स ओल्ड। माइक्स ऑफ करें जब तक जोत रहा हूँ। एंड हमारा एक प्रयास रहता है हमेशा कि हम आप सबके साथ एंड कीपिंग ऑल माइक्स ऑन म्यूट इफ रिक्वायर्ड, प्लीज कभी आप इनको ऑन म्यूट करें। आई एम पुटिंग ऑल माइक्स ऑन म्यूट। अगर आपको जरूरत हो तो ऑन करें, नहीं तो बंद करें। एकेडमी का एक प्रयास रहता है हमेशा कि एकेडमी आप लोगों के पास एक अच्छे से अच्छी शिक्षा की डिलीवरी करे। जितना बेस्ट शिक्षा हम दे सकते हैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में, इस ऑकल्ट साइंसेस की, वो डिलीवर करें आपको। और बट डूइंग दैट आल्सो कंसिडर टू बी अ मोस्ट इकोनॉमिकल वे ऑफ डूइंग इट। और एकेडमी इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारा एक प्रयास है और हमारा एक योगदान टुवर्ड्स मेकिंग दी इंडिया अगेन जगत गुरु। जैसे भारत का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभियान है, सो वी आर ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट इनटू इट एज बेस्ट पॉसिबल। और आप सबके माध्यम से आप सब लोग इस शिक्षा को आगे तक लेके जाएं और अपने परिवार में, अपने दायरे में, अपने जहाँ तक इसको बढ़ा सकते हैं इसको बढ़ाएं, ताकि भारत बस एक बार इसकी जड़ें मजबूत हों और हम सब लोग एक सुखी बेहतर जीवन जिए। तो इस प्रयास का, इस अभियान के साथ आज की शुरुआत आगे करते हैं। और एकेडमी के अंदर कुछ ऑफर्स चले थी विच आर बीइंग क्लोज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, एंड अभी अगस्त की ऑफर्स क्लोज हो गई हैं सारी, ठीक है? फिर भी अगर किसी की कोई रिक्वायरमेंट है तो देन वी कैन कनेक्ट विद द एकेडमी नंबर्स डायरेक्टली। सो वॉट एवर इज बीन अवेलेबल दी एकेडमी टीम विल बी टेक केयर ऑफ। और अगस्त की ऑफर्स थी वो भी अगस्त में क्लोज हो। राइट, कमिंग टू टुडेज टॉपिक। आज का टॉपिक जो हम इसमें लेंगे वो दो टॉपिक लेंगे, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दी कंटेंट्स जो हम आपको बताएंगे, कंटेंट्स हम इस पूरे जर्नी में क्या करने वाले हैं, उसका क्या कैरिकुलम रहेगा, उसके अलावा हम आज दो टॉपिक्स पे काम करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा इसमें, किसी की माइक्स ऑफ है, राम जी डिसाइड किया तो माइक ऑफ। थैंक यू। सांख्य योग को कैसे पहचाने और कैसे इसको बात को इस पे काम करेंगे, इसकी गहराइयों में भी जाएंगे बाद में, पहले एक बेसिक्स पे काम करेंगे आज हम इस क्लास में। सांख्य योग आप लोगों ने कई बार सुना होगा, कई बार डिफरेंट माध्यम से सांख्य योग की आती है, बट एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से I'm sorry, I'm putting everybody on mute. जिसको भी unmute करना, please raise your hand. I'm putting everybody on mute. जिसको hand raise करके unmute करवा सकते हैं, otherwise you are on mute. संख्या योग कैसे हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जान सकते हैं, और इसका क्या प्रभाव हमारे सिस्टम पे पड़ता है और कैसे हमारे को इसके प्रेडिक्शंस में हमें इसका लाभ प्राप्त होता है। सो लेट अस डू सम विचार ऑन दैट संख्या योग टुडे, ठीक है? कॉलेज, सो आई एम पुटिंग अ चार्ट हियर फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। या मैं एक मेकिंग अ चार्ट हियर एक चार्ट के अंदर संख्या योग स्क्रीन संख्या योग तीन प्रकार के होते हैं, शुभ, पाप और मिश्रित। शुभ, पाप या अशुभ और मिश्रित, मिश्रित को मिक्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में, मिश्रित। तो तीन प्रकार के होते हैं। इन तीन प्रकार के संख्या योग को हमें कैसे इसको देखना चाहिए। क्या स्क्रीन नजर आ रही है सबको? मैं एक दो अनम्यूट कर देता हूँ। अपनी स्पेसिफिक नहीं लेते, अभी की चार्ट लेते हैं क्वेश्चन को लेकर। और आप लोगों के माइक से आवाज ना आए। संख्या योग तीन प्रकार के होते हैं। एक संख्या योग होता है पाप, एक होता है शुभ और एक होता है मिश्रित। कैसे इसको देखते हैं? एक पत्री है ये, इसको अगर हम बीच से डिवाइड कर देते हैं, सेंटर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं इसको, सेंटर से डिवाइड करने के बाद इसके दो साइड घेरा चलेंगे। किधर किधर नापेंगे हम, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर, कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक इधर एक इधर, एक 5 में, एक 9 में, 6 में, एक 8 में और एक और 7। अब इसके साथ जो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, इन कॉम्बिनेशन में अभी भी आवाज आ रही है किसी की, बंद होते हैं प्लीज। इस कॉम्बिनेशन में जैसे ग्रह बनेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुपिटर है, यहाँ पे शनि है। अगर ग्रह दोनों साइड अगर शुभ ग्रह होंगे तो बनेगा शुभ संख्या योग। अगर दोनों साइड ग्रह जो बैठे होंगे वो पाप ग्रह बैठे होंगे तो योग बनेगा, तब योग बनेगा इसका अशुभ संख्या योग। और दोनों साइड अगर ग्रह होंगे, एक शुभ होगा और एक अशुभ होगा, तो बनेगा मिश्रित संख्या योग। इस पत्री के अंदर अगर हम देखेंगे तो कौन कौन सा संख्या योग बनते हैं। संख्या योग का प्रभाव बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है पत्री के अंदर, अब दशाओं के माध्यम से। यहाँ पे बनता नहीं है, यहाँ पे बनता नहीं है, इसमें भी नहीं बनता, इसमें भी नहीं बनता। दो बनते हैं, एक ये बनता है, एक मंगल का बनता है, मंगल एक चंद्रमा का बनता है संख्या योग। ये दोनों ही केस में मिश्रित संख्या योग बनते हैं इसके, दोनों ही केस में। अगर इसकी जगह पे सपोज करो शनि यहाँ पे लिखा है, शनि की जगह पे यहाँ पे सपोज करो मंगल लिखा होता, चंद्रमा लिखा होता यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मंगल आ जाता तो ये यहाँ पे इसके अंदर दो संख्या योग बन जाते, एक शुभ जुपिटर और चंद्रमा का और एक अशुभ मंगल का। और यहाँ पे शनि लिख देते हैं, यहाँ पे मंगल नहीं आएगा, शनि लिख देते हैं यहाँ पे, मंगल नहीं आएगा, मंगल का और शनि का, राइट। ये यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है तो इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं। इज दैट क्लियर? आप लोग थम्स अप कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं थम्स अप करके, राइट? यस, नो, मे बी, मे नॉट बी। यस, एक्टिव नहीं हो रही। ओके, अंतर जी ने थम्स अप, ऑलराइट। अगर मैं अनम्यूट कर देता हूं तो अपने आप माइक्स को अपने कंट्रोल में रखिएगा। पुटिंग द स्क्रीन अगेन। सर, नॉट क्लियर। इट इज वेरी सिंपल। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ संख्या योग इन एस्ट्रोलॉजी। One is Shubh, two is Ashubh या पाप, three is mix। ठीक, ये कैसे बनते हैं? ये बनते हैं अगर हम 1 और 7 के बीच में एक लाइन लगा देते हैं, उससे डिवाइड करते हैं चार्ट को, और इसके बाद हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं चार्ट के अंदर 2 और 12 का, आपको 3 और 11 का, 4 और 10 का, 5 और 9 का, 6 और 8 का, 1 और 7 का, ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो संख्या योग का निर्माण होता है। संख्या योग में अगर दोनों साइड प्लैनेट शुभ बैठे होंगे तो शुभ संख्या योग बनेगा, दोनों साइड अगर अशुभ बैठे होंगे तो अशुभ संख्या योग बनेगा, दोनों साइड अगर मिक्स बैठे होंगे तो मिक्स, मतलब एक शुभ एक अशुभ होगा तो मिक्स संख्या योग बनेगा। अगर एक साइड प्लैनेट होगा और एक साइड नहीं होगा तो संख्या योग नहीं बनेगा उसका। तो संख्या योग कब कैसे बनता है, उस वो इस तरीके से बनता है। अब बात आती है इस चार्ट की। इस चार्ट के अंदर हम देखेंगे एक साइड गुरु होगा और एक साइड शनि होगा तो ये मिक्स बनेगा। इसमें एक साइड मंगल है और एक साइड चंद्रमा है, एक साइड चंद्रमा है तो ये भी मिक्स बनेगा। अगर इसकी जगह पे सपोज करो यहाँ पे मंगल चंद्रमा आ जाता तो ये शुभ हो जाता, और यहाँ पे अगर शनि आ जाता तो ये अशुभ हो जाता। तो ये फिलहाल इस कुंडली में जो बाई डिफॉल्ट बनते हैं वो मिक्स बनते हैं, बट अगर जुपिटर के साथ चंद्रमा आ जाता शनि की जगह पे तो ये शुभ संख्या योग बन जाता, और चंद्रमा मंगल के साथ यहाँ पे शनि आ जाता तो ये अशुभ संख्या योग बन जाता। यहाँ तक क्लियर है ये बात? ये बात अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। राइट, अब इसका परिणाम कैसा होगा सर? एक सेकंड जी सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2-2 ग्रह होते हैं अगर दोनों साइड पे, तब तो डबल इफेक्ट आता, मतलब शुभ का भी आता। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मंगल और चंद्रमा बैठा, चंद्रमा और शनि दोनों बैठा है तो यहाँ पे डबल संख्या योग बनता, एक शनि के साथ और एक चंद्रमा के साथ मंगल का, तो यहाँ पे एक अशुभ बनता और एक मिक्स बनता उस केस में। हाँ, और अगर इधर भी 2 होते तो फिर 2 और 2 4 हो जाते, फिर इससे तो डबल बन जाते, तो डबल बन और बढ़ जाता। ठीक है, संख्या योग। अब संख्या योग का इम्पैक्ट कब आता है? संख्या योग का जो इम्पैक्ट होता है वो इम्पैक्ट आता है जब उस ग्रह की दशा चलती है। जब उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रतिंतर दशा चलेगी तो उसका संख्या योग का इम्पैक्ट हम देखेंगे। अगर शुभ संख्या योग बना, अगर तो शुभ संख्या योग बना और प्लैनेट की दशा चल रही है, चाहे वो प्लैनेट 2-12 में बैठा हो, चाहे वो 12वें में चंद्रमा बैठा हो, लेकिन जुपिटर के साथ अगर शुभ संख्या योग बना रहा है जबकि चंद्रमा 12 में बैठ के अच्छा परिणाम नहीं देता, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जा रहे क्योंकि ये एडवांस लेवल है। आई अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ देम इज अवेयर ऑफ इट। चंद्रमा अगर 12 में बैठा हो तो परिणाम अच्छा नहीं देगा। तो चंद्रमा अगर 12 में बैठा है लेकिन जुपिटर उसका 2 में बैठा है और संख्या योग शुभ बना रहा है, चंद्रमा की दशा को चलते हुए भी चंद्रमा को जुपिटर सपोर्ट देगा और वहां पे बैठ के जो सपोर्ट मिलेगा उसकी वजह से चंद्रमा के जो दुष्परिणाम होंगे उसमें कमी आ जाएगी, उसमें कमी आ जाएगी। यहाँ पे इसकी बनस्पत अगर कोई 2 प्लैनेट ऐसे चलते हैं जब उनका दोनों साइड अशुभ होता है, मान लो मंगल 4 में बैठा है, शनि 10 में बैठा है, तो मंगल का दशा चले या शनि की दशा चले, दोनों समय में जब दशा चलेगी, महादशा अंतर्दशा चलेगी, उस समय में उसके जो परिणाम होंगे उसके अंदर कमी आएगी, उसके अंदर रिडक्शन मैलिफिकता आएगी। और वो ज्यादा जब आएगी जब मंगल और शनि एक दूसरे के साथ चलेंगे। अंतर्दशा, महादशा, प्रतिंतर दशा में कई एक समय जब आता है जब प्लैनेट एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो मंगल शनि जब इकट्ठे आ जाएंगे उस समय में तो उसकी जो इम्पैक्ट होगा अशुभ संख्या का वो बढ़ जाएगा। और किसके पर्सपेक्टिव बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल मंगल की दशा चली, मंगल चला, मंगल और शनि 10 में बैठा हुआ है तो मंगल के साथ शनि चलेगा तो मंगल से रिलेटेड परिणाम प्लस चौथे भाव से रिलेटेड जहाँ मंगल बैठा है उससे रिलेटेड परिणाम में मैलिफिकता बढ़ जाएगी। मंगल मतलब अपने आप में एग्रेशन, आग प्लस घर परिवार, अपने घर के अंदर की हानि या एक्सीडेंट, चौथा भाव व्हीकल का या जमीन जायदाद की हानि, उस टाइप की हानि का इंसान शिकार हो सकता है, उसमें उसकी मैलिफिकता बढ़ जाएगी। सांख्य योग के अंदर ये बहुत आसान तरीके से देखने को प्राप्त होता है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू अप्लाई। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर? मेक सेंस? चलो आगे। यस सर। सर नॉट वेरी क्लियर, नॉट वेरी क्लियर, सॉरी। यहाँ पे आपको संख्या बनाना तो आ गया, कॉम्बिनेशन बनाना तो आ गया, राइट? हाँ पर आ गया, पर ये जो जैसे जुपिटर और सैटर्न का हम बना रहे हैं एक योग, मिक्स्ड योग, तो neither Jupiter nor Saturn are aspecting each other in those places. नहीं, मैंने aspect की यहाँ बात ही नहीं करी है. There is no aspect into it. Then why should they influence? Then why will they influence each other? That is where the संख्या योग, वही संख्या योग है कि संख्या योग के अंदर जोड़ी बनती है प्लैनेट की अपने से उल्टा बैठा हुआ प्लैनेट के साथ. उल्टे से मतलब 7 नंबर नहीं है यहाँ पे, उल्टे से मतलब मिरर इमेज के अंदर जब प्लैनेट बैठा होगा तो वो अपनी जोड़ी बनाएगा. जोड़ी शुभ होगी तो परिणाम शुभ बढ़ेंगे, जोड़ी अशुभ होगी तो परिणाम अशुभ होंगे, जोड़ी मिक्स होगी तो मिक्सिड फल आएंगे. ये सिंपल बात. ओके ठीक है, ओके. ये कब आते हैं? एक्सेप्टेड. ये कब आते हैं? मतलब अगर कोई कुंडली लेके आता है और हम लोग देखते हैं 12वें खाने का और पहले खाने का, जैसे जुपिटर एंड सैटर्न, तो हम वो देख के प्रेडिक्ट करेंगे कि पहला नहीं है, दूसरा खाना, दूसरे खाने में जुपिटर, पहले खाने में 12वें में चंद्रमा, मतलब टेम्पररी रखा है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो, हाँ, तो वो बना शुभ. तो चंद्रमा की दशा में भी इतने बुरे परिणाम नहीं आएंगे अगर वहां पे चंद्रमा के साथ जुपिटर का संख्या शुभ योग बनता है तो. ओके सर. लेकिन चंद्रमा का साथ, चंद्रमा के साथ अगर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम मंगा लग देते हैं, यहाँ पे हम लेट्स अज्यूम यहाँ पे हम मंगा लग देते हैं जी, तो ये मिक्स हो गया. अभी चंद्रमा की जब दशा चलेगी, चंद्रमा अपने आप के अंदर एक 12वें भाव में बैठा हुआ है जो कि शुभ परिणाम नहीं देता. चंद्रमा की दशा के अंदर मंगल का संख्या योग बनता है, वो भी मिक्स बनता है. मंगल के साथ संख्या योग बना के चंद्रमा अपने अशुभ परिणाम के अंदर कमी नहीं कर पाएगा. अब मंगल की जब दशा साथ में आएगी तो अशुभता के अंदर बढ़ जाएगा. हर महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में साथ में एक प्लैनेट चलता है, मतलब कोई ना कोई तो उसके साथ चलेगी ना, महादशा अंतर्दशा के लेवल पे. तो जब भी चंद्रमा के साथ मंगल आएगा तो अशुभ परिणाम बढ़ जाएंगे उसके. अच्छा ठीक ठीक है. तो ये बहुत इजी करना है, संख्या योग बहुत इजी करना है, राइट? ओके सर. इसकी डिटेलिंग, इसकी प्रेडिक्शन के ऊपर हम काम करेंगे जब हम पृथ्वी पे काम करेंगे. ड्यूरिंग द जर्नी वी विल कवर दिस टॉपिक मोर इन डिटेल. बट ये संख्या योग कैसे निकालते हैं, ये एक पॉइंट था. क्या ये क्लियर है? तो हम इसको आगे बढ़ते हैं. अब इसी के अंदर संख्या योग के अंदर कई बार ऐसा हो सकता है, जैसे केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, केतु यहाँ बैठा और यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, राइट? या बुध यहाँ पे बैठा हुआ है और यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है. तो संख्या योग के अंदर ऐसे केस के अंदर इसका योग नहीं बनता और उसकी जो नॉर्मल गणना हम करते हैं कुंडली के माध्यम से, वो नॉर्मल गणना की जाएगी, उसमें संख्या योग का रोल नहीं आता. संख्या योग सिर्फ और सिर्फ जोड़ी का योग होता है, जो कि जोड़ी में ही काम करता है, राइट? इज दैट राइट? यस सर. सर वेरी न्यू कॉन्सेप्ट. हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट. यस, दिस इज बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट. यस सर, ये तो बहुत इजीली मतलब देख के ही बस बता सकते हैं, ये देख के समझ में आ जाता है, ठीक है? यस, इसलिए मैंने ये वेबिनार में ही करवाया. इसकी प्रेडिक्शन की डिटेलिंग करेंगे हम ड्यूरिंग दी जर्नी, जब हम काम करेंगे तो उसकी डिटेलिंग में काम करेंगे. बट ये कंसेप्ट बहुत ईजी है, राइट? एक तो ये बात. Lot of videos are not on. I request all of you to please keep your videos on. All right. Now, next point आज का जो हम करेंगे वो करेंगे हम गणना अष्टक वर्गा के ऊपर. अष्टक वर्गा के ऊपर हम गणना जब करेंगे, अष्टक वर्गा का सिद्धांत थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एक बार पहले, उसकी गणना से पहले. अष्टक वर्गा का सिद्धांत सिंपल है. अष्टक वर्गा कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका ट्रांजिट के अंदर उसका जो बिंदु होते हैं उसका फैक्टराइज कैसा होता है, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी. अष्टक वर्ग का सिद्धांत बड़ा सिंपल होता है. हर प्लैनेट अपने ट्रांजिट के अंदर चलता हुआ हर राशि के अनुसार, गणना के अनुसार उसको नंबर प्रदान करता है. जब प्लैनेट नंबर प्रदान करता है तो या तो एक नंबर देगा या जीरो नंबर देगा, इधर वे वो कैसे करना होती है, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। प्लैनेट लेकिन नंबर देता है राशि के अंदर, राशि का नंबर मिलते हैं और दूसरे प्लैनेट के पर्सपेक्टिव पे मिलते हैं, कैसे मिलेंगे ये सब चीजें छोड़ देते हैं, सिर्फ हम ये समझते हैं नंबर मिलते हैं। रीड कैसे करना है, रीडिंग कैसे करनी है एस्टेक वर्गर की, उसकी हम बात करते हैं। जो प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा या पतिंतर दशा चल रही है, अब वो प्लैनेट ट्रांजिट के अंदर हम उठा लेते हैं, अगर वही प्लैनेट हम ट्रांजिट के अंदर हम उठा लें, ठीक है, और उसको हम या तो ऋणाष्टक वर्ग पे या अष्टक वर्ग के ऊपर जब लगाएंगे, सुभाष्टक वर्ग पे लगाएंगे और वहां पे पॉइंट की गणना को हम देखेंगे, अगर तो हमें बिंदु मिलते नजर आए तब तो वो अच्छे फल देगा उस राशि में उस समय के लिए उस बात में। अगर वहां पे बिंदु मिलते नजर नहीं आ रहे हैं तो वो वहां पे परिणाम उस समय में अच्छे प्रदान नहीं करेगा, दैट इज दैट सिंपल। तीन चीजें मैंने यहाँ पे बोली, एक बार दोबारा बताता हूँ अगर महादशा अंतरदशा पत्यंतर दशा में जब प्लैनेट चलेगा, ठीक है, वही प्लैनेट अगर हम ट्रांजिट पे ले लेते हैं, उठा लेते हैं, उसका ट्रांजिट चेक करेंगे। ट्रांजिट को जब हम चेक करेंगे तो उस ट्रांजिट के प्लैनेट के जो प्लैनेट है वो जो नंबर देगा विनाष्टक वर्ग या सुभाष्टक वर्ग के अंदर जैसे नंबर प्रदान करेगा वैसा रिजल्ट प्रदान करेगा वो प्लैनेट अपनी ट्रांजिट के दौरान, उस दशा महादशा अंतरदशा। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको करते हैं, ठीक है। सपोज करो धनु लगन का चार्ट है, एक चार्ट ले लेते हैं या भी लगा भी लेंगे। शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र कर्क राशि में बैठा है, या मैं लगा देता हूँ ऐसे क्लियर नहीं होता, एक चार्ट लगा, ये चार्ट दिस इज द चार्ट, इस टाइम पे दशा चल रही है इसके अंदर बुध की और शनि की, दो दशा इसमें चल रही है यहाँ पे बुध की और शनि की। तो हम बुध की और शनि की दशा में ही जाते हैं और साथ में किसी की बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है, प्लीज कैन यू प्लीज स्टॉप योर बैकग्राउंड वॉइस। राइट, इसमें इस चार्ट के अंदर बुध की और शनि की दशा चल रही है, बुध की महादशा शनि की अंतर्दशा चल रही है इसमें, ठीक है। बुध और शनि जो बैठे हैं, बुध बैठा है 6 नंबर की राशि में और शनि बैठा है 10 नंबर की राशि में। इसके चलते हैं विनाष्टक वर्ग में और सुवाष्टक वर्ग में। Let's go to the swastika work of right। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं स्वास्तिक वर्ग। स्वास्तिक वर्ग क्या होता है, इसकी डिटेलिंग क्या है वो हम बाद में बात करेंगे, वो डिटेलिंग में जब जाएंगे तब बात करेंगे। सबसे हम यहाँ पे ये देख लेते हैं, बुध बैठा हुआ था, बुध वाज सिटिंग इन विच राशि, 6th राशि, ओके, छठी राशि में बुध को 5 बार प्रदान कर रहा था, ठीक है। और शनि वाज सिटिंग इन द 10th राशि में शनि 33 नंबर प्रदान कर रहा था और शनि वाज खुद को यहाँ पे 3 नंबर प्रदान कर रहा था। इस सिचुएशन के अंदर बुध और शनि जब भी 6 नंबर की राशि में ट्रैवल करते हुए आएंगे और या शनि 10 नंबर की राशि में ट्रैवल करता हुआ आएगा, शनि भी 10 नंबर से निकल गया है, ठीक है, अभी शनि 10 नंबर में इमीडिएटली तो नहीं आने वाला, विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बट शनि जब भी 10 नंबर की राशि में या इस चार्ट के अनुसार 33 नंबर प्रदान करता 10 नंबर पे, शनि इस राशि में यहाँ पे 12वें भाव में भी बैठा हुआ इस व्यक्ति को बुरे परिणाम नहीं प्रदान करेगा। 12वें भाव में बैठा हुआ भी इस व्यक्ति को बुरे परिणाम प्राप्त नहीं करेगा। जबकि 10 नंबर की राशि इस व्यक्ति के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो 12वें भाव में आती है, उसी 12वें भाव में आती है 12th हाउस में। 12th हाउस में भी शनि बैठा हुआ है, 35 नंबर लेके बैठा हुआ है 12th हाउस के अंदर। और शनि खुद भी यहाँ पे 3 नंबर दे रहा है, जो शनि के पर्सपेक्टिव से 3 नंबर इज गुड। शनि ज्यादा नंबर प्रदान नहीं करता, शनि के पर्सपेक्टिव से 3 नंबर खास अच्छे माने जाते हैं। तो शनि 12वें भाव में बैठ के इस व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा चलते हुए 12वां भाव एक्टिवेट होता है। 12वें भाव में 31 नंबर आते हैं, उसके अंदर भी इस व्यक्ति को इनकी तकलीफ दे कारक परिणाम नहीं आएंगे। रादर ये भाव व्यक्ति का एक्टिवेट होने के बाद देयर टू वे ऑफ थिंकिंग, वन इज दैट भाव एक्टिवेट हो गया, वन वे ऑफ थिंकिंग इज दैट कि यहाँ पे बैठ के जब का परिणाम आएंगे तो परिणाम कैसे आएंगे। एक तो नुकसान हो सकता है, चोट भी लग सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट हो जाए, कोई इंसान बाहर चला जाए, कोई किसी फॉरेन कंपनी से बेनिफिट मिल जाए। दो तरीके के लुकआउट हो सकते हैं ना। दोनों तरह के लुकआउट को कैसे विभिन्न करना है। अगर परिणाम अच्छे दे रहा है, शनि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, शनि इज गिविंग ऑल ऑफ 3 पॉइंट अपने आप में और 33 पॉइंट इस राशि को ओवरऑल मिल रहे हैं। शनि यहाँ पे 33 नंबर लेके यहाँ पे बैठा है। शनि विल गिव अ अपॉर्चुनिटी टू डू इन्वेस्टमेंट्स। शनि इस भाव में बैठ के इस व्यक्ति को इस अपनी दशा के अंदर अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट्स की दे सकता है, अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति को बाहर जाने की दे सकता है, अपॉर्चुनिटी इस व्यक्ति को किसी विदेश कंपनी के साथ लाभ प्राप्त करने की दे सकता है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ला सकता है जो 12वें भाव के साथ कनेक्ट होगी, लेकिन अपॉर्चुनिटी ला सकता है। शनि अध्यात्म का कारक भी है, तो हो सकता है ये व्यक्ति अध्यात्म में चला है, हो सकता है ये व्यक्ति किसी मेडिटेशन स्किल्स के साथ कनेक्ट हो जाए, हो सकता है ये व्यक्ति किसी ऐसी चीज के साथ कनेक्ट हो जाए जिसकी वजह से इसकी इन्फ्लुएंशियल पावर या फोकस इनसाइड फोकस गेट इंक्रीज। यही इसका नेगेटिव एस्पेक्ट होता। अगर यहाँ पे शनि यहाँ पे विपरीत परिणाम दे रहा होता, सपोज करो शनि यहाँ पे इनको दे रहा होता लो हल्के नंबर 24-25 नंबर दे रहा होता, या इस अपने ही राशि के अंदर 1 नंबर 2 नंबर दे रहा होता, तब आप इसको ये व्यक्ति को ये बोलते 20 नंबर 22 नंबर पे कि ये व्यक्ति को 12वें भाव के नेगेटिव परिणाम आने की संभावना, तब आप ये बोल सकते हैं कि इस व्यक्ति को 12वें भाव के नेगेटिव परिणाम आने की संभावना बढ़ सकती है, जिसके अंदर इस व्यक्ति को चोट लग सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, कोई सरकारी दंड मिल सकता है, या किसी प्रकार का असली नुकसान हो सकता है। तो ये नेगेटिव प्रभाव प्रदान होते हैं, नेगेटिव प्रभाव आते हैं इस व्यक्ति को इस शनि के माध्यम से। एक एस्पेक्ट ये, इसी प्रकार जैसे इसका बुध का पीरियड चल रहा है, बुध के पीरियड में 6 नंबर की राशि में ये व्यक्ति 27 परिणाम नंबर दे रहा है और खुद में 5 नंबर दे रहा है, जो बुध के पर्सपेक्टिव से अच्छे नंबर है। बुध के पर्सपेक्टिव से अच्छे नंबर दे रहा है। 8वें भाव में भी बैठ के 8वें भाव में बैठ के ये व्यक्ति के लिए बुध जो है अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी 8th हाउस, मरकरी के माध्यम से, बुध के माध्यम से और 8वें भाव के कारक के माध्यम से जोड़ के। 27 नंबर इज अ नॉर्मल नंबर, इट इज नीदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड, इट्स नॉर्मल नंबर। ठीक है, इस नंबर की हम पूरी डिटेलिंग में जाएंगे जब हम करेंगे एस्ट्रोलॉजी पे कार्य, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए अब 8वें भाव में जब बैठेगा उसका 2 लुकआउट है। 8वां भाव पेन का है, पीड़ा का है, डिजीज का है, समस्याओं का है। दूसरी तरफ 8वां भाव अपॉर्चुनिटी का बनता है, किस माध्यम से, ऑकर साइंस के माध्यम से, किसी प्रोडक्शन के माध्यम से, ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से, किसी अपनी खानदानी जायदाद के माध्यम से, LIC इंश्योरेंस के माध्यम से, या फॉरेन यातायात ट्रैवल समुद्री ट्रैवल के माध्यम से। इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज का भी बनता है। ठीक है, या किसी रिसर्च के माध्यम से अपॉर्चुनिटी बनता है। यहाँ पे बैठ के बुध इस व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी, इस व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है कि भाई आप निर्णय लो, आप 8वें भाव में हम खुद बैठे हैं, आपके लिए हम बुरा नहीं है, बट 5 नंबर भी दे रहे हैं छठी राशि को, वी आर नॉट बैड, बुध इज नॉट बैड इन दिस। तो बुध is giving the opportunity to this person, take their decision either to go for a better one, कुछ अच्छे काम करे, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल काम करे, ऑकर्ट के अंदर कुछ एक्टिविटी कर सकता है, रिसर्च में रखता है, बुध शिक्षा कारक है, रिसर्च में रखता है, बुध व्यापार का कारक है, कुछ व्यापार जो इंश्योरेंस सेक्टर से माध्यम से हो वो कर सकता है, प्रोडक्शन से के माध्यम से हो वो कर सकता है। लेकिन थोड़ी पीड़ा जो आ सकती है वो फिर बुद्ध के निवारण करने पड़ सकते हैं। यहाँ पे सत्ताईस नंबर इट्स नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, थोड़े इसी की जगह पे 30, 32, 33 नंबर होते हैं तो बुद्ध और बेहतर रिजल्ट उसको प्रदान कर देता। लेकिन अगर बुद्ध के यहाँ पे 27 नंबर है, थोड़ी बुद्ध की जो पीड़ा होती है, नसों में समस्या या स्किन की एलर्जिक प्रॉब्लम, ये सारी समस्या या सर्वाइकल की इश्यूज, ये जिसका वो अलग बात हुई। लेकिन बुद्ध यहाँ पे ओवरऑल इस व्यक्ति के पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये अष्टक वर्ग का सीधा साधा इनका आसान तरीके से दिखा देता है। ठीक है, यहाँ तक इज दैट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? एनी डाउट एज ऑफ नाउ? Yes, sir. Right. सर एक चीज पूछनी है जी। सर इसका मतलब जो अष्टक वर्गा के जो पॉइंट्स है वो 6, 8, 12 में भी अगर ज्यादा होते हैं टोटल तो वो अच्छा रहता है। देखो अष्टक वर्गा के पॉइंट हमेशा ज्यादा अच्छे होते हैं, ये बात सिंपल है। बहुत लोग बोलते हैं 6, 8, 12 के ज्यादा पॉइंट होंगे तो नुकसान होगा, बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन एक बात बताओ, जब प्लैनेट उस जगह को नंबर दे रहा तो यानी कि उस जगह के नंबर उसको प्राप्त हो रहे हैं, उसकी शुद्धता प्राप्त। अष्टक वर्ग का रूल सिंपल, नंबर दिया प्लैनेट ने तो उसकी शुद्धता प्राप्त होगी, नंबर नहीं दिया प्लैनेट ने तो उसकी शुद्धता प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि सर आज तक यही सुना था कि 8th हाउस में ज्यादा है तो बहुत पेनफुल रहेगा बंदे के लिए अगर 8th हाउस ज्यादा है। आप जब डिटेलिंग पे करेंगे ना काम, तो मैं आपको डिटेल दिखाऊंगा इस बात को, उसको बताऊंगा, दिखाएंगे। ठीक है सर, ओके ओके, थैंक यू सर। के पॉइंट्स देखो, हर हाउस के अंदर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, हर हाउस के अंदर होते हैं। हाँ जी। अब ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, बैड हाउसेस के अंदर भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं। नाउ यू फाइंड योर वेज टू मूव फॉरवर्ड। कौन सा हाउस ऐसा है जहाँ पे नेगेटिविटी नहीं है, ये बताएं। एनी हाउस डू नॉट गिव प्रॉब्लम, एनी हाउस, एवरी हाउस एन इश्यू। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हम उस हाउस को कैसे पॉजिटिव कैसे यूज करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। राइट, इस पे आगे चलते हैं, इसी पे अष्टक वर्ग पे आगे चलते हैं। ये हमने क्या शिवाष्टक वर्ग के माध्यम से, अभी अष्टक वर्ग को हम कहते हैं विनाष्टक वर्ग के माध्यम से। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे जब हम जाएंगे आगे, अपने सब्जेक्ट पे जाएंगे। बुध की महादशा है, बुध का विनाष्टक वर्ग लिया हमने। बुध विनाष्टक वर्ग में ट्रेवल करते हुए सबसे ज्यादा जो पॉइंट देता है वो दे रहा है इसको सबसे ज्यादा पॉइंट देता है 11वें हाउस को, सबसे ज्यादा पॉइंट देता है 11वीं राशि को, नॉट हाउस सॉरी, दीज आर द राशिज। 11th राशि को सबसे ज्यादा पॉइंट देता है, राइट। और 11th राशि और कौन सी, 5th राशि को भी दे रहा है, 5th को भी दे रहा है, यू राइट 5th राशि को भी दे रहा है। इस केस में अगर आप बुध देखेंगे तो 5th राशि आ रही है इनकी 7वें हाउस के अंदर। इनकी 5th राशि 7वें हाउस में आ रही है और इनकी 11th राशि लगन में आ रही है। इन टोटलिटी लगन एक्सिस को बुध सबसे ज्यादा लगन और 7वें भाव को बहुत अच्छे पॉइंट्स प्रदान कर रहा है, जबकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन बुध अपने विनाष्टक में लगन को और लगन मतलब 11 नंबर की राशि और 7वां हाउस यानी कि 5 नंबर की राशि को सबसे अच्छे पॉइंट प्रदान कर रहा है। 6 नंबर इस राशि, यहाँ के इस भावों के बुध की दशा के अंदर इस व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होंगे, इस व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त होंगे अपनी दशा के अंदर, अपनी दोनों राशि के भावों के अंदर। इतना इजी है अष्टक वर्ग का, इट इज दैट इजी साइंस। ओनली थिंग, कब अच्छे फल नहीं होंगे, जब इसके अंदर से, जब 11वें लगन के अंदर से सूर्य और वीनस निकलेगा तब अच्छा नहीं होगा। सूर्य वीनस कैसे निकलेगा वो हम डिटेलिंग में काम करेंगे। सूर्य वीनस के टाइम में लगन में तब उसके फलों में कमी आएगी। दूसरी बात, 7वें भाव के अंदर भी सूर्य और लगन अपने आप में एस्पेक्ट नहीं दे रहा, सूर्य और शनि, सूर्य और शनि ये जब निकलेंगे तो सातवें हाउस से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते नहीं होते। ये कैसे होंगे, ये वाली एक्टिविटी हम करेंगे अपनी डिटेलिंग में। लेकिन टू अंडरस्टैंड दैट बुध जो है विनाशक वर्ग के लेवल पे लगन में और सातवें हाउस में दे आर गिविंग मैक्सिमम पॉइंट्स। सो ड्यूरिंग द दशा ऑफ बुध इट इज गुड। हाउएवर बुध 12वें हाउस को, 12वीं राशि को अच्छे पॉइंट्स नहीं दे रहा। 12वीं राशि का इनकी लेट अस सी दैट 12वीं राशि आती है इनके दूसरे भाव में। बुध धन का कारक माना जाता है लेकिन 12वां हाउस धन का है और धन के कारक में धन के भाव के अंदर 3 नंबर आ रहे हैं। बुध दूसरे भाव के अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, अच्छे परिणाम नहीं देगा बुध इस दशा में। जबकि बुध आस्पेक्ट भी कर रहा है, बुध आस्पेक्ट भी कर रहा है दूसरे भाव को, लेकिन फिर भी बुध जो है इस दशा में, बुध की दशा में दूसरे भाव के बहुत स्ट्रांग रिजल्ट्स नहीं आएंगे, प्राप्त होंगे। ठीक है, एक बात तो ये। दूसरी बात, बुध जहां जहां पे भी 0 नंबर दे रहा है उस जगह पे भी बुध जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा ड्यूरिंग दी दशा। इसको ट्रांजिट के ऊपर भी रिलेट करेंगे, ट्रांजिट वाला एक्टिविटी करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी। ट्रांजिट के ऊपर भी एक्टिविटी इसमें हम करेंगे, राइट। बुध जहां जहां पे भी सातवीं राशि में 0 दे रहा है, 9वीं राशि में 0 दे रहा है, 12वें में 0 दे रहा है, 1 में 0 दे रहा है, जब इन राशियों में भी बुध 0 दे रहा है ड्यूरिंग दी ट्रांजिट और ड्यूरिंग दी दशा ऑफ बुध, इन राशियों के अंदर भी बुध के बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होंगे। हल्के मीडियम माध्यम के रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। क्या ये कंसेप्ट यहां तक का क्लियर हुआ? ये बड़ा शॉर्ट में मैंने बताया था क्योंकि इसकी डिटेलिंग बड़ी लंबी है की दैट विल बी कवर्ड इन डिटेल ड्यूरिंग द जर्नी। ये बड़ी शॉर्ट में थी। All are unmuted. Please share. Please बोलें। सर तांजित का बारे में बताना। इसके बारे में? तांजित के बारे में थोड़ा लंबा आएगा। तांजित के बारे में करेंगे, तांजित कैसे लगाएंगे इसके अष्टवर्गा पे, we will do it in general। नहीं अष्टवर्गा में नहीं, ऐसे सिंपल। अब सपोज सर राहु का ऊपर से जाएगा तो क्या होगा, केतु का ऊपर से जाएगा तो क्या होगा? राहु के ऊपर से जाएगा, राहु अगर अच्छा परिणाम दे रहा होगा चार्ट के अंदर तो उसके परिणामों में वृद्धि करेगा। अगर राहु के परिणाम मंदे आ रहे होंगे तो परिणामों में वृद्धि। जिस प्लैनेट का ट्रांजिट जिस प्लैनेट के ऊपर से जब जाता है अगर तो वो चार्ट के अंदर मंदे परिणाम दे रहा है तो मंदे की वृद्धि करेगा, अगर तो चार्ट में वो अच्छे परिणाम देगा चार्ट में वृद्धि करेगा। सिंपल। अगर केतु राहु के ऊपर से जाने से सर केतु राहु के ऊपर से अगर जाएगा तो केतु राहु के ऊपर से बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता, तो राहु के अपने चार्ट के अंदर अगर मंदे परिणाम आ रहे हैं केतु के ऊपर जाने की वजह से और मंदे हो जाएंगे। राहु के परिणाम अपने चार्ट में अच्छे आ रहे हैं, केतु के ऊपर से जाने से तो परिणाम हमें अच्छे में कमी आ जाएगी। थैंक यू सर। ट्रांजिट इज वेरी इजी। ट्रांजिट के अंदर जिस प्लैनेट के ऊपर से जो प्लैनेट ट्रांजिट कर रहा है वो नीचे वाले प्लैनेट को दबाएगा या उछालेगा, सब्जेक्ट टू वो प्लैनेट कैसा है चार्ट के अंदर। अगर तो वो प्लैनेट अच्छा दे रहा है रिजल्ट तो उसको दबा देगा, अगर तो वो प्लैनेट अच्छा नहीं दे रहा तो अच्छे में और वृद्धि। अब जुपिटर सपोज करो, जुपिटर शनि के ऊपर से जा रहा है, जुपिटर शनि के ऊपर से जाएगा तो चार्ट के अंदर अगर जिसका शनि मान लो आज की डेट में जुपिटर 12 में है, सपोज जुपिटर शनि किसका 12 में है, ठीक है, और जुपिटर का ट्रांजिट 12 में चल रहा है, अगर शनि के परिणाम अच्छे चल रहे हैं चार्ट के अंदर तो अच्छे में वृद्धि हो जाएगी। अगर शनि के परिणाम चार्ट के अंदर मंदे चल रहे हैं तो मंदे में कमी आ जाएगी क्योंकि जुपिटर परिणाम अच्छे देता है 12 में। जुपिटर 12 में परिणाम अपने आप बाई डिफॉल्ट अच्छे देता है, उसकी अपनी राशि अपना घर है तो परिणाम मंदे होंगे नहीं उसके वहां पर, ठीक है। अब शनि के ऊपर से चल रहा है, शनि जिसका जैसा शनि है जुपिटर अच्छा देगा, शनि जिसका जैसा वो वैसे इम्पैक्ट आएंगे। शनि अगर अच्छा है अच्छे में वृद्धि हो जाएगी, शनि मंदा है, शनि माड़ा है तो माड़े के अंदर कमी आ जाएगी। सर राहु का ट्रांजिट कैसे जाएगा? राहु का ट्रांजिट मैंने भी बताया ना, राहु का ट्रांजिट अगर जिसके ऊपर से जा रहा है राहु उसको दबाएगा, अगर राहु जहां पे जा रहा ट्रांजिट करेगा वहां पे परिणाम में कमी लाएगा। अगर वो परिणाम अच्छे थे तो अच्छों में कमी लाएगा, अगर मंदिर तो मंदिर में उछाल कर देगा, मंदिर बढ़ा देगा। राहु ओवरऑल अपने आप नीचे लेके आता है और केतु भी मैलेफिक प्लैनेट है। सर अगर रेट्रो हो तो दोनों घरों का रिजल्ट आएगा। रेट्रो के अंदर क्या होता है, रेट्रो में प्लैनेट की फल देने की क्षमता बढ़ जाती है। प्लैनेट की जब फल देने की क्षमता बढ़ जाती है तो प्लैनेट का पावर बढ़ जाने की वजह से उसके अच्छे और बुरे परिणामों में स्पीड बढ़ जाएगी और दोनों के अंदर इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। अच्छे होंगे तो अच्छे में इम्पैक्ट ज्यादा आएगा, बुरे होंगे तो बुरे में इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। तो भी दोनों घरों का ही देगा ना आगे पीछे का रिजल्ट। आगे पीछे का रिजल्ट परिणाम इतना इफेक्टिव नहीं होता, जहाँ जहाँ बैठा होता है वहाँ ज्यादा होता है। पीछे में जब जा रहा होता है तो पीछे के अंदर अगर वो भाग चली से पीछे गया तो इम्पैक्ट आएगा, अगर भाग चली से पीछे नहीं गया तो इम्पैक्ट नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि आगे का भी दे रहा पीछे भी दे रहा, पीछे का दे रहा तो वहीं जाके बैठ जाता, आगे क्यों आया था पता नहीं। बहुत सारा जगह थ्योरी ऐसी लगाई जाती है कि जब रेट्रो होगा प्लैनेट तो पीछे का भी देगा अपने से पीछे का अगर दे रहा। अगर प्लैनेट की डिग्री पीछे जा रही है राइट और भाग चली में चेंज हो गया तब इफेक्ट आएगा। और प्लैनेट की डिग्री कम है, मान लो प्लैनेट की डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है और रेट्रोगेट हो रहा है तो पीछे जाते हुए का इफेक्ट आएगा। अगर प्लैनेट की डिग्री 10 डिग्री से ऊपर चली गई तो पीछे जाते हुए का इफेक्ट जब भी आएगा जब भाग चलित में चेंज होगा, तो इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, अगर प्लैनेट का इफेक्ट पीछे का भी आ रहा है तो प्लैनेट पीछे ही जाके बैठता वो फिर, ठीक है। प्लैनेट की अपनी जगह पे पोजीशन पे अपनी पोजीशन पे ही प्लैनेट के रिजल्ट्स होते हैं। अब पोजीशन चेंज नहीं होती रेट्रोग्रेड के माध्यम से, पोजीशन चेंज सिर्फ भाव चलित की गणना के अंदर होती है, रेट्रोग्रेड के माध्यम से पोजीशन चेंज नहीं होती है। इंसान बोलता है कि रेट्रोग्रेड है तो पीछे की भी रिजल्ट देगा और भाव चलित में चला गया तो उससे पीछे की भी रिजल्ट दे देगा, तो 3-3 भाव के प्लैनेट रिजल्ट दे देगा, 3-3 भाव को लेके चल रहा है वो। सर एक तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन तो यही होता है कि वो प्लैनेट है कहाँ पर, लगन में जैसे कहीं होता है और चलित में कहीं और चला जाता है, वो एकदम ऑपोजिट हो जाता है। लेकिन जैसे सूर्य देखिए हाँ जी चलित के रिजल्ट्स आते हैं। अगर प्लैनेट चलित के अंदर रिजल्ट अगर भाव बदलता है तो उसके रिजल्ट कंसिडरेशन में आएंगे। तो वही तो सर, अब जैसे सूर्य 10वें घर में दिखा रहा है लगन में और चलित में वो 9वें घर में आ गया, तो 9वें घर का सूर्य तो बहुत अच्छा हो गया और 10 का इतना अच्छा नहीं मानते, तो समझ नहीं आता है कि वैदिक में तो मानते हैं हाँ दिग्बली कहते हैं एकदम हो जाता है स्ट्रॉन्ग, बट जैसे 9 का 8 में चला जाए कोई चीज तो वो एकदम ऑपोजिट हो गया, फिर 8 पर उसके रिजल्ट्स मैच करने पड़ेंगे। फिर आपको उस केस में आपको सामने वाले से आप जब थोड़ा सा बातचीत करेंगे तो उसके रिजल्ट से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि उसके रिजल्ट कहाँ के प्रोमिनेंट आ रहे हैं, 8 के या 9। ये हम पता लगा सकते हैं इसमें सर। सॉरी हाँ जी प्रॉब्लम ये है कि केपी में कुछ फिर अलग दिखाता है, भावचलित में फिर अलग दिखाता है तो, और फिर कुंडली में अलग दिखाता है, तो हम लोग पकड़ेगा किसको। केपी में भावचलित में एक ही बात है, केपी और भावचलित में अलग नहीं दिखाता, केपी और भावचलित एक ही, एक अन्य अलग दिखा रहा है। मैंने किया, मैम ने मेरे को बोला केपी में भावचलित में अलग नहीं दिखाता, भावचलित की कुंडली ही केपी पे लगती है। अब भावचलित की कुंडली में जो दिखा रहा था उसी से केपी की स्ट्रिप बनती है, तो वो एक ही चीज है, उसमें अलग नहीं होते। हाँ D1 चार्ट में और भावचलित में अलग दिखा सकता है, D1 चार्ट और केपी के जब भावचलित अलग से दिखाएगा तो उन दोनों की गणनाओं में फर्क आ सकता है। वो उस टाइम पे ये देखा जाएगा कि उसके एट्रीब्यूट किसके मैच हो रहे हैं, एट्रीब्यूट कहा जा रहे हैं। लेकिन D1 चार्ट में बैठा हुआ प्लैनेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके परिणाम जीवन में रहते हैं, कहीं ना कहीं उसके परिणाम जीवन में आएंगे, उसको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे भाव चलित हो प्लैनेट चेंज हो जाए तब भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ऐसा बोलेगा तो काफी अच्छा रहता है न, खाली हम लोग ने चलित में केपी में हम लोग ने घुसा के देखा तो सब अलग हो जाता प्लैनेट, तो प्रेडिक्शन करना मुश्किल पड़ जाता। नहीं इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप भाव चलित के भी रिजल्ट्स प्राप्त करेंगे और आप D1 चार्ट में बैठा हुआ प्लैनेट है उसके भी। फॉर एग्जांपल सूर्य किसी का 12 में है सपोज करो और सूर्य भावचलित के अंदर 11 में आ गया, तो 11 के अच्छे परिणाम सूर्य को जो मिलेंगे, सूर्य की वजह से जो मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सूर्य के जो बेनिफिट मिलेंगे वो भी प्राप्त होंगे। 12 के वजह से मेडिकल इश्यूज जो क्रिएट होते हैं सूर्य से वो भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे। सूर्य के से मेडिकल इश्यूज, आंखों की तकलीफ, हड्डी की तकलीफ, समस्याएं ऐसी वो प्राप्त जो होती है वो भी प्राप्त होंगी। यहाँ पे सूर्य, अब सूर्य यहाँ पे 8 में भी है, सूर्य यहाँ पे 9 में भी है। सूर्य 9 में है, मान लो भाव चलित D1 चार्ट में 9 में है, तो पिता से सहायता, पिता से बेनिफिट, ठीक है। और सरकारी कामकाज के अंदर कोई है तो उसमें व्यापार में बेनिफिट मिल सकता है। 8 के वजह से सूर्य जब 8 में है तो उसको शारीरिक कष्ट भी प्राप्त होगा या पिता को कष्ट भी प्राप्त हो सकता है, वो भी परिणाम प्राप्त होगा। तो दोनों परिणाम यहाँ पे प्राप्त होता है। क्योंकि मेरा सूर्य सेकेंड हाउस में है, भाव चलित में करता है तो फिर फर्स्ट हाउस में आ जाता है। भाव चलित में अगर फर्स्ट हाउस में आया था तो पहले आप सेकंड हाउस के देख लो। जब आप सेकंड हाउस के अंदर सूर्य लेके बैठे हो तो सेकंड हाउस में सूर्य का जो परिणाम होंगे वो आपके कुटुंब परिवार में आपके जो रुतबा होगा वो स्ट्रांग होगा। यू आर ए स्ट्रांग पर्सनैलिटी इन योर फैमिली। आप बात मतलब लीडर की तरह बात करेंगे, लीडर की तरह चलेंगे, बिहेवियर लीडर की तरह होगा आपका। आपका जो लेकिन लोगों को आप सपोर्टिव होंगे लोगों के लिए, परिवार के लिए। और यही 1 नंबर के अंदर जब आएगा तो 1 नंबर से आपके अंदर एक ईगो भी डेवलप हो जाती है, अपनी अपनी मैं करने की बात डेवलप होती है। सूर्य 1 नंबर में आने से अपनी बात बोलेगा, पहले एज ए लीडर सुनेगा कम, ये थोड़ी सी इफेक्ट भी आएगा। मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा भी मिलेगी, ये अपनी जगह प्राप्त होगी, लेकिन इसके ये एट्रीब्यूट भी उस व्यक्ति में आएगा। दोनों को कैलकुलेशन करेगा, दोनों को प्रेडिक्शन, दोनों की कैलकुलेशन। थैंक यू सर। सर ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमको सिर्फ बेसिक की नॉलेज जरूरी है? अगर बेसिक की नॉलेज आपके पास है तो अच्छी बात होगी। अगर आपके पास बेसिक की नहीं है तो कोर्स के अंदर तो थोड़ी बहुत तो टच कर लेते हैं, लेकिन पूरी बेसिक की नॉलेज दे पाना मुश्किल होता है। तो अगर आप बेसिक ऑफ वैदिक ना, बेसिक्स ऑफ वैदिक, ठीक है। अब मतलब मैं बेसिक्स ऑफ वैदिक उसके में कैसे मैं वैदिक ना, हां बिल्कुल। सर का बिगु नाड़ी कब स्टार्ट कर रहे आप? बिगु नाड़ी अब जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि काफी सारे कोर्सेज हो गए, बिगु नाड़ी पे काम करेंगे। क्योंकि ये कोर्स तो ज्वाइन करना नहीं मिलेगा, हम लोग तो ऑलरेडी दो तो कोर्स में बैठा हूँ। अभी जर्मनी स्टार्ट होगा, जर्मनी के बाद प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है अभी मेरे को नींद आ रहा है क्योंकि कल रात को मैंने 4 बजे तक मतलब मकान कुंडली का कर रहा था। सोनामात अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच किया ना, वो तो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं यहाँ तो रात का अभी 11:45 बज रहे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट विद रिस्पेक्ट टू दी अष्टक वर्ग की ट्रेनिंग में हम और काम करेंगे, ठीक है। और अभी किसी को जितना ये एस्ट्रोलॉजी वाला कोई आया लिंक, पंखा नहीं चाहिए क्या जी? सर इसमें सिर्फ अष्टक वर्ग पे ये है क्या कोर्स है? ये नहीं, ये पूरा अष्टक वर्ग पे नहीं है। मैं आपको एक कोर्स की लिस्ट दिखा रहा हूँ। कोर्स की लिस्ट आपको वैसे शेयर करी थी, मैं एक बार आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। गिव मी अ मिनट प्लीज। इन द मेनवर किसी के व्हाट्सएप में तो थी वो, हां व्हाट्सएप में थे पूरे कोर्स। मैं केपी के बारे में भी थोड़ा बता रहा हूं, कोई एग्जांपल पुटिंग इट ऑन स्क्रीन, गिव मी अ मिनट प्लीज। अच्छा सर, एडवांस क्लास कब से शुरू हो रहा है इसका? ये लाल किताब का जॉन जी, अभी बात करेंगे हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजी एडवांस की, ठीक है। अभी हम सिर्फ उसी विषय पे बात करेंगे। नहीं, स्टार्ट कब हो रहा है वो खाली जानना था। तो जल्दी हो जाएगा वो, बट अभी हम सिर्फ इसी विषय पे बात करेंगे, ठीक। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे हम काम करेंगे। इसमें अंदर मैं कोर्स कंटेंट इस पर लगा रहा हूँ। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे हम काम करेंगे। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। केपी और नाड़ी पार्ट ऑफ दिस जर्नी। केपी और नाड़ी के ऊपर हम काम करेंगे। नाड़ी पे कैस्पर चार्ट, केपी पे कैस्पर चार्ट पर काम करेंगे। चलित कुंडली पे काम करेंगे हम इसमें। सर मतलब नाड़ी आना चाहिए किसी को, फिर ही ज्वाइन कर सकते हैं? नहीं, नाड़ी आना नहीं चाहिए। नाड़ी अगर आता है तो अच्छी बात है, बट हम इस जर्नी में काम करेंगे, हिंदू लगन को निकालेंगे, दृक पंचांग मुहूर्त पे काम करेंगे, जेमस्टोन्स पे काम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू केपी एंड नाड़ी। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से न्यूमरोलॉजी के अंदर हम स्पेलिंग करेक्शंस कैसे कर सकते हैं, इस चीज पे काम करेंगे हम। इसके अलावा नेम चेंज विद रिस्पेक्ट टू दी एस्ट्रोलॉजी पे काम करेंगे। 9 प्लैनेट पे 9 प्लैनेट 12 हाउसेस के अंदर इस पे काम करेंगे। राहु केतु पे काम करेंगे, केपी पे रूलिंग प्लैनेट्स पे हम काम करेंगे, रेमेडीज पे हम काम करेंगे इस समय। अष्टक वर्गा पे काम करेंगे, वो भी बताया मैंने। और एक संख्या योग के ऊपर काम करेंगे जो मैंने अभी आपको बताया, उसकी डिटेलिंग का हम काम करेंगे। दो इन टॉपिक्स ऊपर हम इस जर्नी के अंदर काम करेंगे, राइट। जीरो मजी आप बोले सर, जैसे मैंने वैदिक का बेसिक नहीं किया हुआ आपके साथ तो फिर मैं ज्वाइन करने में मुझे प्रॉब्लम। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की आपको ज्ञान है थोड़ा बहुत तो आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल ही नहीं आती, कोई जिसको राशि और प्लान के विषय बिल्कुल नहीं पता, तब दिक्कत आएगी। अगर एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा जानकारी है नहीं, वैसे तो सर मैं थोड़ा बहुत मुझे है, मैंने किया हुआ एक दो कोर्स आप कर सकते हैं, पर वैदिक बट नॉट वैदिक, भृगुनंदी नाड़ी का किया है तो वैदिक नहीं किया हुआ। तो कोई बात नहीं, बेसिक्स ऑफ द एस्ट्रोलॉजी रिमेन सेम विद रिस्पेक्ट टू राशि, प्लैनेट्स एंड भाव, वो सेम हाउसेस। हां वो सब पता है सर, बेसिक तो देन आई कैन डू इट, वन कैन। ठीक है सर, आपने जो कहा और एक सर अभी आपने बताया ना अष्टवर्गा में कि मंदा मतलब बड़ा है तो बढ़ाएगा, मंदा है तो कम करेगा, मतलब आप कुछ बोल रहे हैं। अष्टक वर्ग में रूल सिंपल ये कहता है, अगर प्लैनेट किसी राशि को नंबर नहीं प्रदान करता, उसको जीरो नंबर देता है, तो उसके जो बिंदु कम होने की वजह से उस राशि में उसके रिजल्ट्स मंदे आएंगे। ठीक है, उसके रिजल्ट्स का प्रभाव घट जाएगा, वहां पे अच्छे रिजल्ट्स प्रदान नहीं करेगा। अगर यही किसी राशि के अंदर अच्छा चलो मान एक नंबर अगर नंबर आता है, जीरो नंबर आता है, तो इट इज एज गुड एज लाइक मिस अपनी। ये मिस अपनी को डोनेट करता है, 1 नंबर बीमारी को और सोरोस को डोनेट करता है, 2 नंबर मिसअंडरस्टैंडिंग को, फियर फैक्टर को डिनोट करता है, 3 नंबर 3 पॉइंट अगर आते हैं किसी राशि में, 3 पॉइंट आ जाते हैं तो मेंटल अफ्लिक्शन को डिनोट करता है या फालतू के घूमने फिरने को डिनोट करता है। 4 नंबर जो है नॉर्मल होता है, 4 नंबर आधा कुछ मतलब मिला जुला मिश्रित रिजल्ट होता है लॉस गेन का। 5 बिंदु आ जाते हैं तो 5 बिंदु इज अ गुड थिंग, ये इंसान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लाता है, फॉर्च्यून की तरफ लाता है। 6 नंबर इंसान को अच्छी हेल्थ मिलता है, मान सम्मान प्राप्त करता है, इज्जत प्राप्त करता है और गुड फॉर्च्यून की तरफ लाता है। 7 नंबर इज ए वेरी सुपर ऑस्पिशियस, एक रिचनेस की फीलिंग क्रिएट करता है, मान सम्मान, ऊंचा पद, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, गाड़ी, बंगला, इस टाइप की सुख सुविधाएं इंसान को जीवन में प्राप्त करती है। 8 नंबर किसी राशि में कोई प्लैनेट अगर देता है तो वो दिस इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑनर या हर जगह दुनिया भर के अंदर मान सम्मान रिस्पेक्ट प्राप्त होता है। तो ये डिटेलिंग के ऊपर हम काम करेंगे जब हम अष्टक वर्ग करेंगे। बिंदु कैसे आते हैं, बिंदु पे क्या काम परिणाम होता है, बिंदु कैसे निकलते हैं, ट्रांजिट पे कैसे इफेक्ट करता है और भाग्यदशा में कैसे इफेक्ट करता है, दोनों तरीके से इफेक्ट आते हैं। बट ये डिटेल स्टडी अष्टक वर्ग इज ए वेरी इजी बट वेरी पावरफुल। तो आपने एस्ट्रो वास्तु में भी कवर किया है, एस्ट्रो वास्तु में भी कवर किया था, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू दी वास्तु किया था। यहाँ पे हम विद रिस्पेक्ट टू दी एस्ट्रोलॉजी करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी कुंडली करेंगे। अगर जिसको कुंडली के माध्यम से अष्टक वर्ग आ गया और जिसको वास्तु के माध्यम से अष्टक वर्ग आ गया, बिलीव मी अष्टक वर्ग से वो बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी दोनों काम करती है एक व्यक्ति के जीवन में, दोनों चीज काम करती है और दोनों चीज के पकड़ में आ जाती है तो इट्स वेरी पावरफुल। थैंक यू सर। जर्नी की अब थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ। इसके जो हमारा ये कोर्स आएगा, कोर्स 2 महीने का एक कोर्स आएगा हमारा, राइट। And I can see that the almost participants are already existing participants. I didn't find major change into that. And yes, तो 2 महीने का हमारा कोर्स आएगा ये। 2 महीने की कोर्स फीस आप सबको पता है। 1 month course fees is 1579. If you pay for 2 months together, the course fees 2685. These details are already you aware of it. मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ स्क्रीन पे। आपका आवाज अटक गया था सर। Right. So details are already with you, but we might not have it. Here are the details. This is 2 months journey. This is 2 months journey. 1 month journey fees is 1,579 multiplied to 3158. 50% off, that is 268485. New participant 2107 multiplied to this comes to 3158 41. These are the detailed numbers and these are the screenshots. So one can share onto this. The journey start होगी. Classes आएंगी हमारी Saturday Sunday हमारी classes आएंगी. Saturday Sunday के अंदर timing I will share with you the timing. It will be either in the afternoon, maybe 4 बजे से करेंगे और we will do in night. I will share with you. मैं ये आपको डिटेल शेयर कर दूंगा very soon. Exact टाइम क्या रहेगी बट सर्कस में क्लास रहेगी that is not sure. Right? जी इसके अंदर हम रेमेडियल पार्ट करेंगे. रेमेडीज आर इम्पोर्टेंट. इसके अंदर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी करेंगे. मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम 64वां देशकोण और 22वां देशकोण और 64वां नमाज के ऊपर काम करेंगे. यानी कि डिविजनल चार्ट के ऊपर भी हम काम करेंगे. इसके अंदर डिविजनल चार्ट पे कैसे होता है 22वां देशकोण D3 चार्ट का जो लगन है D3 चार्ट का जो लगन है वो 8वीं राशि 8वें हाउस का होता है. तो उसको हम 22वां देशकोण बोलते हैं. बट कैसे देखेंगे. अब इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है जिस व्यक्ति का 22वें देशकोण की दशा चलती है निकालना आप सीखेंगे. निकालना बहुत बड़ा काम नहीं है. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट. D3 चार्ट के बाद निकाल लेंगे. इम्पोर्टेंट ये है 22वें देशकोण की जब दशा चलती है तो इंसान को कई बार ये नहीं पता चलता कि पीड़ा आ कहाँ से लिया है 22वां देशकोण. जबकि वो प्लैनेट उस व्यक्ति को अच्छे से दे रहा होता है. D1 चार्ट के अंदर कई जगह पे अच्छे दे रहा होता है. फिर भी उसको ये समझ नहीं आता कि तकलीफें कहाँ से आ रही है. अगर 22वें देशकोण की दशा चलती है तो इंसान को बहुत शारीरिक कष्ट होते हैं क्योंकि 22वां देशकोण शारीरिक कष्ट के लिए माना जाता है. और ये इंसान को चोट पीट देता है, मानसिक कष्ट देता है और शारीरिक कष्ट देता है. 22वां देशकोण कैसे निकालेंगे वो हम डिविजनल चार्ट पे देखेंगे. 64वां नमाज कैसे निकालेंगे वो भी हम देखेंगे. D9 चार्ट के अंदर चंद्रमा अगर चौथे हाउस में अगर बैठता है, चंद्रमा के चौथे हाउस में बैठने में 4 राशि आगे गिनेंगे. That we find out on the when we find out D9 chart. 64वां नमाज कहते हैं. 64वां नमाज की अगर दशा होती है तब भी इंसान को जो है परिणाम जो होते हैं सख्त परिणाम होते हैं. उन सख्त परिणाम को जो से जो तकलीफें बढ़ती हैं that we find out during the journey. 64वां नमाज 22वां देशकोण और डिविजनल चार्ट 1 से लेके 30 तक के डिविजन चार्ट जो है उसके ऊपर हम काम करेंगे. That we will learn during this journey. Divisional chart के बारे में इसमें नहीं लिखा है बट divisional chart भी हम इसमें कवर करेंगे. ठीक है divisional chart and रोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब व्यक्ति का किसी व्यक्ति का जन्म किस दशा काल में हुआ और 6, 8, 12 का उसमें क्या योगदान था. तो रोग को निर्धारित करने के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. व्यक्ति का अपना लगन, लग्नेश के कारक सूर्य चंद्रमा, सूर्य क्योंकि आत्म कारक है, चंद्रमा क्योंकि मन का कारक है, इनकी पत्री के अंदर दशा कैसी, इनकी पत्री में स्थिति कैसी है, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर। लगन, लग्नेश, सूर्य, चंद्रमा और दशा, किस जन्म जो है किस दशा काल में हुआ था, शनि में हुआ था, राहु में हुआ था और 6, 8, 12 की दशा में हुआ था, इसका मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर रेट्रोग्रेड प्लैनेट का एक प्रमुख रोल है। रेट्रोग्रेड प्लैनेट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में अगर रेट्रोग्रेड प्लैनेट अगर अशुभ रिजल्ट दे रहा है तो अशुभता के अंदर वृद्धि कर देता है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए लगन, अगर खासतौर से अगर लगन रेट्रोग्रेड है किसी के चार्ट में और उसको तकलीफ आ रही है, तकलीफ चल रही है और रेट्रोग्रेड होने की वजह से और लगन की दशा चल रही है, तो लगन उसको नुकसान देगा। रेट्रोग्रेड के नुकसान देने से इंसान को अपने शारीरिक कष्ट के अंदर तकलीफ बढ़ेगी। तो दिस वी विल डू इनटू द मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, right? We will cover this part into the medical astrology. Okay, और I think I have covered all the topics और 2 points पे जिस पे हमने काम किया, that we will do it in detail. Any questions? Anyone would like to know? Anything? Okay, जी आपने माइक ऑन किया बोले। Sir, next weekend से start होगी classes? जी next weekend से start करें, correct? अच्छा, और दूसरा मुझे पूछना था इसमें क्या ट्विन्स का कवर करेंगे? अगर ट्विन्स का प्रेडिक्शन देना, D24 इज एन इंपॉर्टेंट चार्ट फॉर ट्विन्स। ट्विन्स के केस के अंदर आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहाँ आती है? अगर आप देखेंगे, देखो ट्विन्स में क्या होता है, ट्विन्स के अंदर बच्चों की एजुकेशन आमतौर पर विभिन्न हो जाती है। आमतौर बच्चों के माँ बाप नहीं बदलते, बच्चों का घर नहीं बदलता, बच्चों का चार्ट नहीं बदलता, D1 चार्ट एक ही होता है। नहीं, हेल्थ इश्यूज भी एक आध केस में मैंने तो वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाई ना। आई एम कमिंग टू दैट, ओके, कमिंग टू दैट। D1 जो डिविजन चार्ट होते हैं ना, वो हमारे जन्म के मिनटों के हिसाब से बदल जाते हैं। 1 मिनट के अंदर डिविजन चार्ट बदल जाता है। डिविजनल चार्ट एक तरीके का या ये बोलो, कैसे बोलो कि आप केपी में जब हम स्क्रिप्ट करते हैं, केपी की स्क्रिप्ट, क्योंकि ये स्क्रिप्ट सब लेवल पे, सब लॉर्ड लेवल पे मिनटों के अंदर बदल जाती है, ठीक है। ये केपी की स्क्रिप्ट जो एक्सटेंडेड आर्म है डिवीजन चार्ट की, डिवीजन चार्ट भी मिनटों के हिसाब से बदलते हैं। तो D24 और D30 ये 2 चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट होते हैं किसी ट्विन्स के बारे में जानकारी निकालने के, क्योंकि ट्विन्स में 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं। एक, आप माँ बाप नहीं बदलते, घर परिवार नहीं बदलता, घर नहीं बदलता, जन्म एक ही स्थान पे हुआ, लॉन्गिट्यूडनल लेटरल एक्सेस नहीं बदलता, लेकिन कई मिनटों का फर्क आ जाता है। कभी 1 30 सेकंड का फर्क आता है, कभी 1 मिनट का फर्क आता है, कभी 1 मिनट से ज्यादा फर्क आता है ट्विन्स के जन्म में। जो ट्विन्स के जन्म में जन्म का फर्क आता है, उस जन्म के फर्क से D24 और D30 चार्ट बदल जाते हैं। D24 चार्ट होता है एजुकेशन का चार्ट होता है, और एजुकेशन में परिवर्तन आने में काफी कुछ परिवर्तन जीवन में आ जाता है। एक बात D30 विश फॉर्चून का चार्ट होता है, जो कि बीमारी को दर्शाता है। D30 का जिस व्यक्ति का D30 का लगन D1 चार्ट के अंदर किस स्थिति के अंदर है, उससे उसकी उसके जीवन के रोग निरोग की कल्पना की जा सकती है। अगर D30 का लगनेश D1 चार्ट के अंदर अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो आप ये बोल सकते हो कि वो व्यक्ति आमतौर पर स्वस्थ होगा। यही D30 का लगनेश D1 के अंदर 6, 8, 12 में चला जाता है, वो व्यक्ति आजीवन निरोगी रहेगा, किसी ना किसी जीव रोग से हमेशा ग्रस्त रहेगा। ठीक, दूसरी बात, D1 का लग्नेश D30 के 6, 8, 12 में चला जाता है, तब भी ये स्थिति पैदा होती है। तीसरी बात, D30 के अंदर अगर लगन लग्नेश राहु के एक्सेस में आ जाता है, मतलब लगन लग्नेश में राहु केतु आ जाता है, तो वो चार्ट के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, और उसके लिए उस व्यक्ति को भी शारीरिक कष्ट जीवन में रहेंगे। ये कब ज्यादा फलित होंगे? जब उन प्लैनेट की दशा चलेगी, चाहे महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा दशा में चलेगी, तो उसमें जल्दी फलित होंगे। या ट्रांजिट में वो प्लैनेट उस जगह से निकलेंगे, तब भी ये जल्दी से फलित कर देंगे, वो घटना को घटित करेंगे। ट्रांजिट घटना को घटित करता है, ठीक है। और योग जो है घटना का योग बनाता है, जो दशा होती है, दशा जो होती है वो घटना का योग बनाती है और ट्रांजिट उस घटना को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, अगर योग बना हुआ है में अब घटना ट्रांजिट आ गया तो योग घट जाए, मतलब घटना घट जाए। तो D30 के साथ ये एक बड़ा स्ट्रेट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन जिनके बारे में विचार करेंगे, बट ये आपको मैंने सूक्ष्म तरीके से कॉम्बिनेशन कराया। लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑन डिवीजन चार्ट। ठीक है जी, रोमा जी। हाँ जी सर, मैं एक पूछ रही थी, लाइक बाई चांस कभी टाइम इतना एक्यूरेट किसी को नहीं पता होता तो हम कोई बीटीआर लाइक टाइम रेक्टिफिकेशन कुछ करेंगे? बीटीआर तो करवाया था, बीटीआर नीतीश ने करवाया था। बीटीआर नीतीश ने करवाया, आई थिंक शायद भास्कर में या दिवागी में बीटीआर किया उन्होंने। तो दैट इज अ डिफरेंट कोर्स सर, मतलब बीटीआर का। बीटीआर डिफरेंट है, बीटीआर डिफरेंट है, उन्होंने करवाया। शी कवर्ड इट बीटीआर। अच्छा, तो अलग ज्वाइन करना, वो अलग है। आई थिंक उन्होंने बास्टन में बीटीआर करवाया शायद। कौन से कोर्स में सर? आई कुडंट गेट इट। बास्टन थ्योरी में बीटीआर करवाया। ओके, वो फिर अच्छा। यस अलोंग विद केपी। हां, केपी के उसमें करवाया हमने, केपी के साथ बीटीआर कराया है। ओके, बीटीआर से टाइम की एक्यूरेसी निकाल लिया। हाँ जी हाँ, वही सर। कई बार कोई टाइम ना वो कंफ्यूजन होती है कि इतने बजे नहीं, इतने बजे आइडिया नहीं है। बीटीआर किया तो वो फिर अच्छा, उसके लिए अलग कोर्स करना। ठीक है, हाँ बीटीआर, क्योंकि बीटीआर जो है केपी बास्टन का पार्ट है, तो केपी का पार्ट है, तो उन्होंने केपी बास्टन पे करवाया है, उसका पार्ट। अच्छा सर, तो नीति मैम का हम जो यहाँ पे केपी करेंगे, हम केपी का एक बेस फाउंडेशन क्रिएट करेंगे ताकि आप लोग केपी का, जिनको केपी बिल्कुल नहीं आता वो लोग केपी को समझ सके, उससे काम कर सके। केपी की डेप्थ के लिए एस्पर इंटरलिंकिंग बास्केट थ्योरी जो नीति की करवा रही है, डेप्थ से डेप्थ कर सकते हैं। अच्छा, वो कर। ठीक है, तो आपसे हमारा बेस बन जाएगा सर, मतलब फाउंडेशन हो जाएगा, फाउंडेशन बन जाएगी, उसके बाद वो केपी क्लियर होगी। ओके, थैंक्स, ये हम करेंगे। राइट, ऑलराइट, सो दिस इज द course and details, and I mean this is going to start it now from the next Sunday. So one May के started journey, और कुछ और जानकारी आप मेरे से लेना चाहे तो ले सकते हैं अभी। और जो लोगों ने लास्ट टाइम किया था, जिन्होंने लास्ट बैच किया था, दिसंबर वाला बैच किया था एडवांस एस्ट्रोलॉजी का, they all are welcome to do repetition। और इस बार रिपीटेशन में कुछ पॉइंट्स नए होंगे जो हम ड्यूरिंग दी जर्नी करेंगे। तो जो लोगों ने, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिपीटिंग। सीता मैडम, यू आर ऑलवेज वेलकम। हां, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दिसंबर वाले बैच के लिए रिपीटेशन इज, हम तो सर का कभी पीछे नहीं छोड़ेगा रिपीट करके। ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज। रिपीटेशन से बहुत सारी चीजें क्लियर होती है। आई थिंक आई हैव कवर्ड द टॉपिक, आई हैव कवर्ड द जर्नी जो हम करेंगे इसके अंदर। मोर और लेस इज बीन कवर्ड। किसी को कुछ और जानना है तो बात कर सकते हैं, और नहीं तो हम यहाँ पे क्लास को विश्राम देते हैं और इंडिया पाकिस्तान के मैच को एंजॉय करते हैं। ओके ओके, थैंक यू, गुड नाइट सर। ठीक है, हमारी क्लास नेक्स्ट वीक से शुरू होगी। और जैन रौनक जी, मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप एकेडमी के किसी ग्रुप में है नहीं है मुझे आइडिया नहीं है। अगर आप एकेडमी के किसी ग्रुप में नहीं है तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और यहाँ से एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। जी ओके सर, मैं एक लिंक ड्रॉप कर देता हूँ अभी। ओके, यू कैन बी पार्ट ऑफ द एकेडमी। ये मैंने आपको एक जनरल लिंक दिया है, इस वाले एस्ट्रोलॉजी का नहीं है, ये है तो ब्राह्मणी हो जाएगा, बट ये दिस विल वर्क फॉर यू, आपको इंफॉर्मेशन इस पे मिल जाएगी। कोई लिंक आया नहीं अभी तक। मैं एक दे रहा हूँ, मेरा किसी का कोई और प्रश्न तो प्रश्न पूछ सकते हैं। इसमें आपने न्यूमरोलॉजी को ज्वाइन किया है, लाइक हम नेम रेक्टिफिकेशन वगैरह सर इजीली हो सकता है वहाँ पर, ऐसा नहीं कर सकते एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? कैसे करना है मैं आपको ये बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी विल बी कंबाइंड लाइक दिस, मतलब न्यूमरोलॉजी इसके अंदर पूरी नहीं होगी। इसका न्यूमरोलॉजी का अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो दिस विल बी वेरी यूजफुल टेक्निक फॉर यू। हां सर, मैंने लिंक दिया है इसमें चैट के अंदर, इस लिंक को ज्वाइन करके आप एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं एंड देन यू विल गेट ऑल इंफॉर्मेशन। ओके ओके जी, राहु की कोई रेमेडीज है क्या? राहु की रेमेडीज बहुत सारा है। राहु की रेमेडी आपको क्या तकलीफ है, क्या हो गया? राहु का आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, सबसे आसान कुछ चीजें जीवन में बांध लें आप, और इस बात को आप ऐसे समझ लें कि जीवन में पुराने समय से आप रिलेट करेंगे तो वो आपको रिलेट कर जाएगा। आपको याद है पहले समय में रसोई के अंदर बैठ के इंसान खाना खाता था, और जमीन पे जूट की टांट के ऊपर बैठ के खाना होता था। दोनों राहु है, दोनों राहु की रेमेडी। जमीन पे बैठ के खाना ज्यादा अच्छा है, जमीन पे जूट के ऊपर। एक बात, अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो कम से कम अपनी चेयर पे जूट की चटाई से बना के डाल दो। चटाई से मतलब कोई आसान सा बना के रख लो अपनी चेयर के ऊपर खाना खाते हो। अच्छा, उसके बाद कोई भी आसन रख के कर सकते हैं। जूट का ही चाहिए? अच्छा, जूट के जो बैग्स आते हैं वो वाला जूट। एक बात, दूसरी बात कुछ आदत डालें कि किचन में बैठ के कभी खाना खाएं, किचन में बैठ के। तीसरी बात, अपने साउथ वेस्ट को क्लीन करें, साफ रखें, क्लीन करें। ओके, साउथ वेस्ट राहु का जोन है, तो क्लीन करें वो पूर्वजों को जोन। और क्या चीज से क्लीन करना चाहिए? वहाँ पे अगर कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटीज है, मतलब कूड़ा कचरा या इनबैलेंस किसी प्रकार का है जो वास्तु के माध्यम से आप चेक कर सकते हो, और इनबैलेंस है तो उसको वहां से हटाएं। ओके, तीसरी बात, अगली बात ये कि अमावस का खाना अपने पूर्वजों के नाम पे निकाल के मंदिर में भेज दे, मंदिर में दे, पूजा करके हाथ जोड़ के प्रार्थना करके मंदिर में दे। और रवि शनि सब्जियों को सतराजा दे सकते हैं। अच्छा ठीक है, 7 तरह का अनाज। मोबाइल को आप टॉयलेट में लेके ना जाए। अच्छा, गैजेट्स को टॉयलेट में लेके ना जाए। बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है आपकी, रौनक जी बैकग्राउंड वॉइस बहुत आ रही है, हवा चल रही है आपके पीछे। हाँ, हवा चल रही है। गैजेट्स को आपको टॉयलेट में लेके ना जाए। कुछ लोग कुछ उपाय करवाते हैं, जैसे टॉयलेट के अंदर चाय पत्ती फ्लश कर दो या और विभिन्न प्रकार की चीजें करवाते हैं। आई वुड नॉट रिकमेंड दोज उपाय। इसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, अन्न का दान करें अगर राहु से दिक्कत आ रही है, बजाय उसको फ्लश आउट करके वेस्ट करें। अगर दिक्कत है तो उससे बेहतर यह है 2 मुट्ठी चाय लें, चाय को अच्छे से हाथ लगाए, मतलब करें हाथ में अच्छे मुट्ठी बंद करें, और स्वीपर को दान दो, वो बेटर हो बजाय फ्लश आउट करके उसको वेस्ट करें। ठीक है, स्वीपर के साथ काम आ जाए। मूली स्वीपर को दान कर सकते हैं, मूली स्वीपर को दान कर सकते हैं। सर कोई मूली नहीं लेता सर, स्वीपर लेते नहीं है मूली। चाय पत्ती ले लेगा। हाँ, चाय पत्ती ले लेगा सर, मूली पता नहीं क्या इनको पता है, दे डोंट टेक इट। मैंने एक बार चाय पत्ती, हाँ जी, तो लाइक चाय पत्ती सर लाइक हाथ से टच करके देन एक बैग में डाल के बैग में डालो और उसको दो। ओके जैसे उनको पिलाएं। हफ्ते में 2 बार टॉयलेट साफ करने से भी राहु अच्छा होता है ना? क्या चीज? हफ्ते में 2 बार टॉयलेट साफ करने से भी राहु अच्छा होता है ना? बिल्कुल ठीक बात है, बट आसान काम नहीं है। अपना घर का टॉयलेट तब भी आसान नहीं है। तब भी आसान नहीं है। नहीं, मैंने सुना बोला हफ्ते में 2 बार टॉयलेट अपना साफ करने से तो राहु बहुत अच्छा हो जाता। आप चालू करो करना। मैं तो कुछ भी नहीं करता रेमेडी, मैं खाली लोगों को बोलता है। जो प्रिपेयर क्या अप्लाई नहीं हो पाती उसको बोलते क्या फायदा। अरे बट जॉन सर नोज अ लॉट आल्सो। ठीक है, थैंक यू। ये आप कार्य कर सकते हैं और बहुत सारी रेमेडी हम करेंगे दो दिन की जरूरत। सर ये सुबह शाम कभी भी दान दे सकते हैं, चाय पत्ती हो। दिन छिपने के बाद किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि नॉर्मली वो लोग सुबह होते हैं तो इसीलिए मुझे भी लगा डाउट है। तो दिन छिपने के बाद निकाल लें फिर सुबह को दे दें, या सुबह को दे दें अर्ली मॉर्निंग निकाल लें आप फिर दे दें। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा भी है कि जिस चीज का दान करते हैं उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ऐसा भी है क्या सर? जिस प्लैनेट की मैलेफिकता बढ़ रही है उसका कंजम्पशन होता है। दान से प्लैनेट की मैलेफिकता बढ़ रही है उसका कंजम्पशन होता है। उसका कंजम्पशन होता है। नहीं सर, दान तो हम उसी से रिलेटेड करेंगे जो प्लैनेट हमें तंग कर रहा है ना, उसी का दान करेंगे। उस प्लैनेट की चीजों का कंजम्पशन लोग कम करना चाहिए। जैसे चाय नहीं पिए, फिर चाय कम पिए या चाय ग्रीन टी पिए, काली चाय ना पिए। हाँ, वो तो राहु पिलवा ही देते। उसमें कुछ खाएं सर, मतलब चाय के साथ कुछ खाएं, मतलब ये दैट इज मतलब कुछ खाली चाय ना, कम से कम दूध की चाय तो बिल्कुल ना पिए। दूध की चाय नहीं पिए, चाय और चंद्रमा इकट्ठे। He is right actually, black tea without sugar and yes. I mean take tea without sugar and milk, you will be remain all right. This is also a health benefits, otherwise also डॉक्टर के हिसाब से। हाँ that's true. कॉफी कॉफी तो पी सकते हैं ना? Again black, have it black. अच्छा, कॉफी also black. Yes yes, no tea, no milk, no sugar. जो प्राण तकलीफ देता है उसके समान की उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस किया जाता है। एक बड़ा सिंपल सा इलाज है, जो प्लैनेट बेनिफिट दे रहा है उसके कंजम्पशन को बढ़ा जाएगा। तो लाइक मैम कह रही है कि शुगर एंड जो दूसरी तरीका जो प्लैनेट तंग कर रहा हो उसके लोगों को हेल्प करो। हाँ, और जो प्लैनेट बेनिफिट दे रहा हो उनके लोगों को तंग मत करो, उनके लोगों से आशीर्वाद ले लो और बढ़िया हो जाए। फॉर एग्जाम्पल राहु के लोग कौन से हैं? स्वीपर, क्लीनर, गार्ड्स आल्सो सर, गार्ड्स आल्सो शनि। उनको बेनिफिट, उनको ईज़ आउट करो, उनको बेनिफिट दो। शुक्र नुकसान दे रहा हो किसी व्यक्ति का, अपनी बीवी को गिफ्ट करो, अपनी बीवी True that. Very true. सर ये गिफ्ट किसको देना है? भाई पड़ोस में मत देना, बाकी ठीक है। छोटे बच्चों को, जिसको आपको अच्छा लगता है उसको करेक्ट गिफ्ट आप। गणेश जी, क्योंकि शुक्र मेरा भी खराब चल रहा है ना, मैं 3 बार एक्सीडेंट हो गए, इसलिए पूछा मैंने। तो अगर शुक्र की आपको तकलीफ आ रही है तब गौ की सेवा करें। अच्छा, गाय की सेवा करने से? गौ की सेवा करें, गौशाला के अंदर दान दें, गौ की सेवा करें तो आपको बेनिफिट होगा। और माँ लक्ष्मी की आराधना करें। शनि रवि की युति में क्या करना चाहिए? युति का इम्पोर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट, व्हाट इज एक्टिवेटेड, what is giving you results right now, that is more important. It is not important कि युति है तो क्या करें। माने results are very poor, जो काम में बंदा हाथ डाल रहा है वो पेमेंट नहीं मिल रही है, या उसको अपयश मिल रहा है, माने नाम खराब हो रहा है। अच्छा काम कर रहा है, दिक्कत दे रहा है। शनि, शनि दिक्कत तेरा तो बहुत आसान। शनि कौन है? शनि हमारे जितने भी हमारे से नीचे सबऑर्डिनेट शनि है, जबकि काम वाली भाई माने बिजनेस इसके साथ बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में तकलीफ आ रही है, बिजनेस सही नहीं चल रहा, तो अगर शनि मैलेफिक है पृथ्वी के अंदर तो भगवान शनिदेव की आराधना करें। शनिदेव का मत ओम प्राम क्रीम प्रोम शाह शनिचाय नमः, ओम प्राम क्रीम प्रोम शाह शनिचाय नमः की रोज एक माला करें, कम से कम एक माला करें मिनिमम डेली। शनि मंदिर जाए, शनि भगवान को तेल चढ़ाए, दीपक जलाए। अपने सबऑर्डिनेट्स को शनिवार को शाम को डीप फ्राइड कुछ खिलाएं, दिन छिपने के बाद समोसा पकौड़ा ऑयली डीप फ्राइड शनि का तेल शनि है ना, आपके अच्छा सर एक्सक्यूज मी सर, गुड नाइट। हाँ मैं थोड़ा बुला रोक रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। जी आप बिल्कुल जाए, हम इंडिया पाकिस्तान का हम मैच एंजॉय करेंगे, मैच का टाइम भी हो गया तो हम सबके भी नमस्ते करते हैं, ठीक है? तो आप यू ऑल आर वेलकम इनटू द जर्नी ऑफ गुड नाइट डॉन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू नमस्कार आप सब लोगों को, धन्यवाद, थैंक यू सर, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, थैंक यू जरूर, थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड, थैंक यू, गुड नाइट।